अगर सरापों को टिकट देती है पार्टी तो निश्चित रूप से मैं निर्दलीय टाल ठोकूंगा। क्यों? टिकट कार्यकर्ता को ही मिलनी चाहिए। हमारी जवानी निकल गई झंडे लगाते दरी बिछाते हुए, तो हमें ऐसे कोई धनबल पर अगर कोई टिकट लाता है तो वो उम्मीदवार हमें स्वीकार करें। सरदार शहर में चुनावी माहौल है वो काफ़ी गर्म है। भाजपा की ओर से एक दर्जन से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जिन्होंने टिकट की मांग रख कर रखी है। ऐसे में ही हमारे एक नेता और है सरदार शहर के भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर जी सैनी जिन्होंने टिकट की मांग रख कर रखी। सर, टिकट की मांग कर रखी थी आपने, एक दर्जन से ज़्यादा बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने टिकट की मांग कर रखी थी, लेकिन मुझे लगता है सभी के हाथों से टिकट फिसल गई है। प्रहलाद सर, आप जी के हाथों में टिकट जाती हुई दिखाई दे रही है। मैंने मेरी दावेदारी हमारी प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी, चंद्रशेखर जी भाई साहब और राजेंद्र जी राठौड़ और अर्जुन जी गुलाब जी भाई साहब को मैंने अपनी दावेदारी पेश की है और हमने जितने भी कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगी है, टिकट कार्यकर्ता को ही मिलनी चाहिए। हमारी जवानी निकल गई झंडे लगाते दरी बिछाते हुए, तो हमें ऐसे कोई धनबल पर अगर कोई टिकट लाता है तो वो उम्मीदवार हमें स्वीकार नहीं। तो राजेंद्र साहब को टिकट मिलता वो स्वीकार नहीं होगा फिर? नहीं, प्रहलाद जी स्वीकार अगर टिकट देती है तो ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि जब 2010 में मैंने मेरी धर्मपत्नी को चेयरमैन का चुनाव लड़ाया था तो ये मेरे खिलाफ थे और पार्टी के खिलाफ थे। ये कभी पार्टी के थे ही नहीं, कल तक मोहनलाल शर्मा के घर बैठे रहते थे, इनका पूरा परिवार उनसे जुड़ा हुआ है। आज अगर पार्टी इनको देती है टिकट तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि अभी भी समय है, इस पर पुनर्विचार करें, वरना मुझे इनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा तो मैं टाल ठोकूंगा। चुनाव लड़ने की आपने कहा, अभी थोड़ी देर पहले बात भी करी थी अपने शीर्ष नेतृत्व से, तो क्या तय है कि आप निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे कि प्रहलाद जी सराफ को टिकट मिलती है? अगर सराफों को टिकट देती है पार्टी तो निश्चित रूप से मैं निर्दलीय टाल ठोकूंगा, क्योंकि ये लोग कभी पार्टी के थे नहीं, सिर्फ केवल पैसे के बल पर मैनेज करके अगर टिकट लाते हैं तो हमें स्वीकार नहीं है। बाकी हम जितने भी दावेदार हैं चाहे किसी को टिकट दे दो, हम तन मन धन से उसके साथ लगे रहेंगे। जितने भी कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगी, टिकट कार्यकर्ता को मिलनी चाहिए, कार्यकर्ता का हक है। आज हमने हमारी जवानी इस पार्टी में बिताई है, विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चे से लेकर आज हम पार्टी में काम कर रहे हैं। इतना बरस हो गया, इनका क्या राइट है? पार्टी में कोई राइट नहीं है, न इनका कोई दावेदारी हक बनता है। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी दावेदारी कर रखी है, आपके अलावा दो और ऐसे नाम अपन बात करें, दो और नामों की, तो वो कौन से नाम जिन जो भी भाजपा को जिता सकते हैं, दो नाम और? नहीं, और पार्टी कार्यकर्ता किसी को जिनने भी टिकट मांगी है हम उनके साथ हैं। मेरे को टिकट मिलेगी तो वो सभी कार्यकर्ता साथ हैं, उनको टिकट मिलेगी तो मैं उनके साथ हूँ। परंतु ये जो सराफ परिवार का जो नाम चल रहा है, प्रहलाद सराफ का नाम चल रहा है, ये हमें कतई मंजूर नहीं। कोई ऐसा नाम जिस पे आप भी सहमत तो इस नाम पे टिकट मिल सके ना? सराफ परिवार के अलावा जिन्होंने भी दावेदारी की है वो सब कार्यकर्ता है, जितने भी 10-11-12 दावेदार है सब कार्यकर्ता है, उनमें किसी को मिले हमें मंजूर है, सराफ परिवार मंजूर नहीं है। वैसे सर, एक कार्यकर्ता के अलावा आपको नहीं लगता वो जिता पाएंगे बीजेपी को? नहीं, अगर हमारी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी उपचुनाव निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी, परंतु टिकट कार्यकर्ता को ही मिलनी चाहिए। मोहनलाल शर्मा का बहुत जो सहानुभूति का कार्ड है वो इस चुनाव में नहीं चलेगा। निश्चित रूप से सरदार सर में कमल खिलेगा, परंतु वो कमल कोई कार्यकर्ता ही खिला सकता है। मुरलीधर जी सैनी जो कि नाराज लग रहे हैं अपनी पार्टी के निर्णय से, क्योंकि प्रहलाद जी सराफ का नाम वो तेजी के साथ ऊपर जा रहा है और उनको टिकट मिलती है हाल फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें टिकट मिलती है तो मैं निर्दलीय मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटूंगा। डीवी न्यूज के जी गजेंद्र सिंह।